चरण विजयते श्री पाद धूलिकण, उनके चरण में स्थित धूलि का ऐसा प्रभाव है, प्रभु के चरण कमल में स्थित एक दिव्य कणिका, एक छोटे कण, एक धूलि कण का इतना स्थान है कि वो धूलि का यदि कोई दर्शन कर ले, प्रभु के चरण में स्थित चरण धूलि का, यदि एक धूलि का यदि कोई दर्शन कर ले तो भी ये अनुभव करेगा कि जगत कितना तुच्छ है और कितना निकृष्ट है। और वो प्रभु जो इतने महान है, वो भागवतम में कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनः अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यांग्रि रेणुभिः। वो कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, प्रभु कह रहे हैं भागवत में, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनः, जो शुद्ध वैष्णव है उनके पांच गुण है। क्या क्या है पांच महत्वपूर्ण गुण? कहते निरपेक्षम, वो किन्हीं से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते, निस्वार्थ भाव से सर्वसमरशील है और सर्वसंपन्न है, सर्वसंतुष्ट है, किन्हीं से कुछ अपेक्षा नहीं रखते, निरपेक्षम, जैसे जो मिले ठीक। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्व इंद्रिय उपशांत्या च तुष्यति आसु जनार्दन। चतुर्थ स्कंद भागवत में ये श्लोक आता है कि भक्त जो दयावान हो, तितिक्षा का गुण धारण करे, तितिक्षा भाव हो, और तीसरी सर्व इंद्रिय उपशांत्या च, हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में सभी इंद्रियों को संयमित करके नियंत्रित करके जो भजन करते हैं, तुष्यति आशु जनार्दन, वो प्रभु को बहुत जल्दी अधीन कर लेते हैं। तो प्रभु कहते हैं निरपेक्षम, जो भक्त संतुष्ट होता है, सहनशील होता है, सहानुभूति से भरा हुआ होता है, नम्र होता है, इंद्रियों को नियंत्रित किया रहता है, ऐसा भक्त, ये सब निरपेक्ष के अंतर्गत आया। दूसरी बात, निरपेक्ष मुनिम, जो मौन रखे, व्यर्थ की वार्ता ना करे और सदा सर्वदा प्रभु का ही गुणगान करे। उसके साथ साथ मुनि का एक और अर्थ है, मुनि का एक और अर्थ क्या है, जो मननशील हो, जो हमेशा तत्श्रुण्वन् सुपठन् विचारण परो, विचारशील हो, सदा सर्वदा सोचता रहता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, संसार किस तरफ जा रहा है, शास्त्र किस तरफ ले जा रहा है, विवेकवान जो हो उसको मौनी कहते हैं। तो निरपेक्षम मुनिम, फिर तीसरी बात शांतम, जो शांत स्वभाव का हो, उत्तेजित ना हो, उद्वेगित ना हो, जैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिला श्रृंगी से तो सहन कर लिए, हरिदास ठाकुर को पीटा गया सहन कर लिए, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ती तद्भक्ताः प्रभवो भी, कि भक्त बहुत सहनशील होते हैं और शांत स्वभाव के रहते हैं। जैसे संत तुकाराम जी, जगत ने कितना विपरीत और दुर्व्यवहार प्रदर्शित किया, परंतु सहनशील होकर प्रभु के नामों का मशीन की तरह, यंत्र की तरह रटन करते थे, तो ये है शांत। तो निरपेक्ष मुनिम शांतम, फिर चौथी बात है निर्वैरम, किन्हीं से वैर भाव न रखना, और पांचवी बात समदर्शन, सबको अपने समान देखना, अर्थात उनके सुख में अपने सुख की अनुभूति करना, उनके दुख में अपने दुख की अनुभूति करना, या समदर्शन का अर्थ हो सकता है कि सबको समान भाव से देखना, ऐसा नहीं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा मित्र है और वो मेरा शत्रु, ये अनुकूल बात करता है वो प्रतिकूल व्यवहार करता है, नहीं, समदर्शिन, सब एक समान, क्योंकि वही प्रभु जिनका मैं भजन करता हूं वही इनके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। ये श्लोक हम ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भागवत का श्लोक, क्योंकि भगवान कहते हैं जो राजा कुलशेखर के दृष्टिकोण से हमें ये समझ आया कि भगवान इतने 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 महान है कि यदि उनके चरण की धूलि का यदि दर्शन किया जाए, एक बार दृष्टिगोचर हो जाए, तो पूरा जगत निम्न श्रेणी का लगता है, उनका ही नहीं, उनके चरण धूलि के दर्शन पर। और वो प्रभु जो इतने महान है, वो कहते हैं यदि कोई भक्त हो जिनके ये गुण हो, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिना, अपेक्षा ना करो किन्हीं से, मौनशील रहे, शांत स्वभाव का रहे, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, निर्वैर भाव रखे, किन्हीं से वैर ना करे,
और समदर्शिना, सबको समभाव से देखे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभी हस्तिनी शुनि च विश्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो ये भाव इन लक्षणों से युक्त हो, प्रभु क्या कहते हैं, अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेत अंग्रि रेणु भी। मैं ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों चल